हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, और आज प्लान है किसी बीच पे जाने का, तो बट मैं अकेला जा रहा हूँ, अकेला बोले तो फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, मनप्रीत मैंने परमिशन ली है, और मुझे ऐसे लग भी रहा है कि मनप्रीत खुशी मुझे भेज रही है, बाकी मैं रिएक्शन दिखाता हूँ आपको। और 6-7 बीच डिसाइड कर लिए हैं, बट अभी हमें पता नहीं है कि बेसिकली जाना एग्जैक्टली कहाँ जाना, तो ऑलरेडी लेट हूँ मैं, जल्दी से निकलता हूँ और फिर रास्ते में मिलते हैं, दिखाते हैं आप लोग, आप तो साथ ही रहेंगे मेरे, तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, चलते हैं। चलो तो निकलता हूँ, मनप्रीत मैं जा रहा हूँ। क्या बात है यार, ये फूल अच्छे भेजे ना, ये दीदी और जीजू ने भेजे थे ना, अच्छे लग रहे हैं यार। बट यार ये पानी वानी अभी डाला है, रात को डाला नहीं था, तो पानी था रात को थोड़ा सा, बट अभी मतलब थोड़ा और डाला है अभी सुबह। अच्छा मनप्रीत, मैं निकल रहा हूँ फिर तो यार मैंने सबको बोला तो खुशी खुशी भेज रही है, ठीक है, वीडियो चल रही है, ठीक है, हाँ रिएक्ट मतलब रिएक्ट मत कर, हंसो नहीं, सही बात है, प्यार से भेजो, मैं लेट हो गया हूँ बेटा। ये देखो क्या चल रहा है, बर्थडे खत्म हो गया पुत्र, बर्थडे खत्म हो गया, अब चलो बाय कर दो, बाय। बड़ा ढीला सा भाई है, मैं बेटा जा रहा हूँ कहीं पे, मैं बता नहीं सकता, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता उसको, बाय करो, बाय बाय बाय, ओके बाय, जल्दी चलो यार भाई, लेट हो गए। सरदार साहब रेडी, चेक। तो जोशी जी को 5 मिनट का टाइम दिया था कि मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, पर जोशी जी अभी तक आए नहीं है। तो ये रहा पैसेंजर वन, जोशी हो गए 5 मिनट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग 5 मिनट हो गए, लेट तो नहीं हुआ? नहीं लेट नहीं हुआ, चल ओके चलो 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 चलो, बाकी सवारियां कहां भाई? जोशी जी ये जो है ना, शराब की दुकान में रहते हैं जोशी जी मैं मजाक कर रहा हूँ, शराब की दुकान में नहीं रहते हैं, इसके पीछे से गली है, वहां से निकलते हैं, रहते हैं तो पीजी में। नीले रंग की टी शर्ट नहीं पहनी है क्या दीपक ने? हाँ पहनी है, तो इसने कल भी आज त्रिमूर्ति, कम ऑन, अरे डिक्की में रखो, डिक्की में बैग, जल्दी करो, जल्दी टाइम नहीं है, जल्दी करो। तो सारे हम लोड हो गए गाड़ी में, अभी डिसाइड हो गया ना कहाँ जाना है, श्रीवर्धन ही जाना है ना, अरे वाह, मतलब 6 बीच, हमने 6 बीच में से एक चुना ना हमने, यस सर। तो मतलब फाइनल है, फाइनल तो बस लगा लो मैप लगा लो, मुझे भी नहीं पता कहाँ से जाना है। पहले गाड़ी में डलेगा तेल, ठीक है, और उसके बाद निकलेंगे, ठीक है, गाड़ी की रगों में तेल डालना, गाड़ियों की रगों में आज खून नहीं तेल डलेगा, खून तो इंजन में डलता है। चलो जी, क्या थक गए हो क्या? नहीं सर, एकदम एनर्जेटिक, तुम्हें देख के तो लग रहा है कि मतलब एक घंटा भी नहीं हुआ घर से चले हुए अभी एनर्जी बरकरार है, लोन डोले थोड़े और बड़े हो चुके हैं, पिछली बार वीडियो में जो दिखाया था उससे और बड़े हो गए डोले, देखा ना, क्या बात है, जोशी जी देख, जोशी जी भाई साहब
जोशी जी ऐसे लग ही नहीं रहा कि बीच पे जा रहे हैं, जोशी जी आज अलग ही लेवल पे हैं, मतलब ये रंगीले रहते हैं। ये इसका बिजनेस 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 के स्टडी बिजी है। ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। तो अभी रास्ते में थे, रुके हैं। ये मौसम इतना बढ़िया यार, इसको देख के किसका मन नहीं करेगा रुकने के लिए। और मुलसी डैम वाला रास्ता है ये, तो बीच जा रहे थे। मतलब हम निकले हैं वाकड़, वाकड़ से हिंजवाड़ी, हिंजवाड़ी के बाद आपको पास पिरनगुट आएगा, पिरनगुट से मुलसी डैम वाला रास्ता है। इधर से होते हुए टमानी तामनी घाट से होते हुए हमें जाना है, पर बढ़िया मज़ा आ रहा है। गुड, मौसम बहुत बढ़िया यार, एकदम चिल। यार दीपक यार, क्या बोर कर रहे हैं, गाना सुना है? मैं सुनाओ। हाँ सुनाओ, गाना सुनाओ यार। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये चील सुनहरी आँख, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूँ क्या। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे ये इतना पुराना गाना कैसे पसंद है भाई? जब मैं अपने वाइफ को देखता हूँ तो यही याद आता है। अरे वाह, तो फिर इसका मतलब है कि ये तुमने भाभी जी को डेडिकेट किया है गाना। क्या बात है यार, मजा आ गया। तो त्रिभुवन तुम अपनी बीवी से प्यार कम करते हो? इसे करते हैं, बहुत करते हैं। तो फिर गाओ कोई गाना। गाने वाला प्यार नहीं करते, गाने वाला नहीं करते, प्यार वाला। अरे प्यार वाला, तुम एक लाइन ही कुछ बोल दो ना भाभी जी के लिए यार। अब कंपटीशन हो गया ना यार, दीपक कह रहा मैं प्यार करता हूँ, तुम कह रहे हो कि तुम कुछ गाओगे नहीं, तो क्या कैसा लगेगा? भाभी जी देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि बोल लगे मेरे लिए कुछ नहीं गाया? तो शायरी मार दे यार। हाँ शायरी, शायरी मार दे, चल मारते हैं। शमा परवाने से रो रो के कह रही है, क्या बात है। शमा परवाने से रो रो के कह रही है, कोई इसको रुमाल दो इसकी नाक बह रही है। क्या तो ये अभियंदर ने भाभी जी के लिए शेर डेडिकेट किया है। चालू हो जाओ। कैसे छोड़ दूं तुझसे मोहब्बत करना, मैं कैसे छोड़ दूं तुझसे मोहब्बत करना, क्या बात है। किस्मत में नहीं पर दिल में तो है, क्या बात है, क्या बात है, क्या। ये तो गर्लफ्रेंड के लिए भी ये तो वो हो गया कि कोई पहला प्यार था नहीं मिला स्कूल में, है ना। अरे भाई शादी हो चुकी तेरी। जोशी जी, यस सर, अभी आप रह गए, आप अपनी क्या गर्लफ्रेंड होने वाली बीवी अगर कभी होगी, क्या पता हो भी हमें, क्या पता अभी चल रहा हो किसी का तो हमें नहीं मालूम है, तो उसको कोई गाना आपने डेडिकेट करना है तो कौन सा करो, या ऐसे कोई गाना गा दो यार। फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा, कैरियर कुछ बढ़िया है। कौन सा डेडिकेट? डेडिकेट तो नहीं करना चाहता, बट मैं गाना चाहता हूँ। सफर कट जाए तो कुछ भी गा दे, लिरिक्स निकाल। कैरियर पूछो कभी तो, कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। क्या बात है जी, मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है, अंजाम है तुम्हारी तस्वीर के सहारे, मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो इश्क़ तो हमारे, नजरों के सामने
क्या बात है, क्या बात है, क्या नेक्स्ट इंडियन आइडल के लिए खत्म, बस इसके आगे कुछ नहीं, कोई नहीं गा सकता, दी एंड। तो सर हम सब में तो एक एक अपने अपनी कलाएं दिखाई दी है, तो आपसे भी हम सुनना चाहेंगे कुछ अच्छा। मुझे भी गाना पड़ेगा यार, क्योंकि हर कोई अपनी बीवी के लिए गाना गा रहा है, और मेरी बीवी ये वीडियो देखेगी तो मैं वापस जा पाऊंगा घर के नहीं मुश्किल है, मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तो मतलब आप लोगों ने सोच के गाया होगा, पर मैंने सच में जो पहला गाना गाया था वाई फीलिंग, मैंने पंजाबी गाना गाया था, उसकी भी वो अलग बात है, उसकी भी हंसी निकल गई थी फोन पे गाना सुन के। पर हम स्कूल टाइम पे थे तो मैंने फोन पे बात होती थी, तो उसने बोला था कि कभी कोई सॉन्ग मुझे डेडिकेट नहीं किया, तो मैंने उसको पहला गाना जो उसके उसके लिए गाया था कि मैं ये गाना तुझे डेडिकेट करना चाहता था, वो ये गाना था, मैं सुनाता हूँ। तू अंबरा तो आई हुई हूर सोनिए, तेरे इश्क च हो गया मैं चूर सोनिए, अंबरा तो आई हुई हूर सोनिए, तेरे इश्क च हो गया मैं चूर सोनिए, गज बज के करांगा तेनू प्यार, मुकरा ते तां मर जा, हो मुकरा ते तां मर जा, हो मुकरा ते तां मर जा। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में श्री वर्धन पहुंच गए क्या? जी सर पहुंच गए। बढ़िया यार भाई, गुड फाइनली। 3 घंटे लगा के, 3 घंटे नहीं 4 ही हो गए मुझे लग रहा है, 4 घंटे हो। जोशी कितना टाइम हो गया? 3.5 घंटे से ऊपर हो गए सर, 4.5-4 घंटे या लगभग। अभी बीच पे पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले हैं। तो भाई फाइनली पहुंच गए श्रीवर्धन। Yes, sir. और मैं बता दूं सबको कि इसकी वजह से हम आए हैं। ये कह रहा मुझे बीच जाना है, बीच जाना है। दुनिया जा रही है, मॉनसून है, दुनिया जा रही है महाबलेश्वर है, घाट वाट जा रही है वाटरफॉल देखने के लिए, और ये आदमी कह रहा था मुझे बीच ही देखना है, बीच ही आना था मेरे को। हाँ इसको बीच ही आना था, इसकी वजह से 1, 2, 3 और मैं 4 तो हम चारों को इसने मजबूर कर दिया आने के लिए। ये है ना अंकल यार, जब खाना खाने बैठते थे तब बोलता, खाना वाना खाना है कि नहीं खाना है? खाना लग तो नहीं रहा तुम लोगों को देख के यार, खाना खा लेते हैं कहीं पे यार। अब यहाँ से आगे खर्चा सारा जो है ना वो दीपक करने वाला है, और ये दीपक है, दीपक अभियंदर, गौरव जोशी और ये त्रिभुवन शर्मा, ये नया आदमी ऐड हुआ है, दीपक भी नया ऐड हुआ है, ये इन दोनों को तो आप जानते हो ऑलरेडी, ये नया आदमी ऐड हुआ है। बहुत खुशी मिल रही है कि हम भी इस ब्लॉग में आने वाले हैं। हाँ खुशी तुझे बहुत मिल रही है, और देखता तू है नहीं वीडियो देखने का कारण यही है वो, यही है वो। शाकाहारी चाहिए अंकल जी, कोई ऐसा बताइए जो फेमस हो मतलब यहाँ का। नाम बोल दो ना, नाम बोलो। चोकर मतलब वो होटल का नाम है, चोकर घर में बनाते हैं। अच्छा क्या नाम है? चोकर। हाँ जल्दी जाएंगे तो मिलेंगे, 2 के बाद नहीं मिलता, अभी जाएंगे अंकल दौड़ के फटाफट। और इधर बीच ही साइड है ना, 2 मिनट में बीच। चलो भाई जोशी जी, ये चौक और दूसरा चौक भी जाओ, कैसा है वड़ा पाव? जोशी ये आज मैचिंग हो गई है यार, ये देखो तो सही, मतलब मैचिंग है ये जोशी जी के साथ। क्या ये देखो पगड़ी ऐसे रखूं मैचिंग फिर मैच किया नहीं है जोशी, ये हो गया है मतलब, हो गया सर बिना प्लानिंग। पर है तो सुंदर है यार ना रोड, मजा आ रहा है। ये देखो आप आगे चलो सारे, ये देखो क्या बात है, नेचर इज हियर। नेचर की गोद में पर गर्मी है थोड़ी यार। अरे ओ इधर आ दीपक, तू केले खा, छोटे हैं सर, कच्चे बोलो, कच्चे भी हैं साथ में।
हाँ ये तो सही बोला तूने यार दीपक, सबके जूते देख सफेद ही हैं, मेरे सफेद नहीं है, मेरे मतलब क्या ग्रे कुछ पता नहीं क्या लुक आपके में भी आ जाएगा। हाँ पर एक बार हम जो मिट्टी में घुसेंगे ना सबके एक जैसे हो जाएंगे मुझे लग रहा है। सबकी वाइफ गुस्सा होगी बैचलर पार्टी में। ये तो बात सही बोली तूने, सबकी सबकी वाइफ गुस्सा होगी कि अकेले अकेले घूम रहे हैं। सबसे ज्यादा त्रिभुवन भाई की क्योंकि वो यहीं पे है। हम घर पर हमें इस बात का कोई टेंशन नहीं है। इस बात का मैं कभी तो मतलब इस कैटेगरी में आए नहीं हूं। जोशी जी को टेंशन नहीं है पर हमें ये है, वाइफ बोली घूमने गए तो गए, ऊपर से वीडियो भी बना बना के दिखा रहे हैं, जला रहे हैं। किलोमीटर तो पैदल चल दिया यार। वेट लूज है, खा के चलवाओ ना, खाली इतनी गर्मी, पानी दो घूंट अभी पिया है, बस खाने का इंतजार है। गलत आ गए हम यार, तो पोपट हो गया। पोपट जिस अंकल जी पे हमने इतना भरोसा किया ना कि अंकल जी बता दो, उन्होंने बोला कि वहाँ चले जाओ और किसी का घर है, घर जैसा खाना मिलेगा। और घर जैसा खाना ऐसा था कि वहाँ घर तो था, आदमी भी था, पर खाना नहीं था। वो बोले कि बुक कर दो, पहले बुक करो, 4-5 घंटे पहले बताना पड़ता है कि कितने लोगों का आपको खाना चाहिए, और उसके बाद ही हम बना के तो सर्व करते हैं। और अभी ये समझ नहीं आ रहा, बीच में अटक गया है, इस साइड एक साइड बीच है, एक साइड खाना है, बाज़ार में रेस्टोरेंट है, तो खाना पहले ज़रूरी है, पहले हम जाएंगे खाना खाने के लिए। पहले लेट हो जा फिर काम दे। वोट भाई, पहले बीच पे जाना है या पहले खाना खाने जाना? पहले बीच खाना। मैं खाना, तो दीपक जो है वो अकेला जाएगा बीच की तरफ और हम चारों जाएंगे खाना खाने, ठीक है दीपक? हाँ सर मैं चलो जाओ निकलो। आएंगे ना, भाग तो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं हम आएंगे, मैं हम जरूर आएंगे। इतना दूर आए हैं, मार्केट में जाना पड़ेगा खाने के लिए। फिर उसके बाद दीपक को मिलेंगे हम बीच पे। दीपक तब तक तू बीच पे पहुंच, तू बीच पे पहुंच और हमें साफ सफाई करवा के रखना। नहीं नहीं साफ सफाई नहीं, तू बीच पे पहुंच और वहां जाके हमें बता कि कैसा माहौल है। अगर खराब रहा तो आप लोग उधर से वापस। अगर खराब रहा तो तू ऑटो वाले का नंबर ले ले, ये यहाँ पे ऑटो वाले हैं सामने, ये देखो, तो इनका नंबर ले ले, वहीं से कॉल करना इनको, ये तुझे पिक करेंगे, हमारे पास ड्रॉप करेंगे, ठीक है? अदरवाइज पैदल भी आ सकते हो। चलो जी मिलते हैं खाने पे। होटल प्रसाद, चलो भाई। अच्छी लग रही है, वाकई अच्छी है ये, बहुत बहुत सीनेटिक व्यू है सर, है ना? सही लग रहा है यार, जबरदस्त। अभी तो मतलब खाना भी खा लिया हम लोगों ने, अभी तक समुद्र तक पहुंचे नहीं है। नहीं, बहुत इंतजार से यार की घड़ियां, मैं इंतजार करवा रहा हूं ना। हां आवाज सुन पा रहे हो तुम? आवाज आवाज से फिल बेचैन है मिलने के लिए। फिल करिए।